नेक्स्ट एंड लास्ट बिजनेस एनालिसिस इज अबाउट रिटेल बिजनेस मॉडल एक रिटेलर अपनी बाइंग और सेलिंग के लिए क्या बिजनेस मॉडल यूज़ कर रहा है हम उसको डिस्कस करते हैं और ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरी बेस डिफाइन करता है उस रिटेलर के बिजनेस मॉडल के लिए हमारे पास आज के दिन के डिस्कशन के लिए चार मॉडल्स हैं हम वन बाय वन चारों मॉडल्स को क्विकली डिस्कस करेंगे और ये भी आपसे शेयर करेंगे कि विच मॉडल इज़ द बेस्ट मॉडल एंड विच मॉडल इज़ द वर्स्ट मॉडल और अगर आप अपने सराउंडिंग में नोटिस करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे रिटेलर नज़र आएंगे जो कि वर्स मॉडल को फॉलो कर रहे हैं और ऑफकोर्स दे आर मूविंग टूवर्ड्स देयर डेथ ऑफ़ द बिजनेस तो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन बिजनेस मॉडल्स को सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वर्स्ट बिजनेस मॉडल है वर्स्ट बिजनेस मॉडल इसका नाम इसलिए दिया गया है इसको डब्ल्यू भी कहते हैं ये बिज़नेस मॉडल का आउटकम इज़ ऑलवेज़ डेथ ऑफ द बिज़नेस बिज़नेस हमेशा खत्म हुआ है इस सूरत में क्या होता है दैट यू बाय प्रोडक्ट्स ऑन कैश बट यू सेल प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट अगर आप चीज़ें किसी सप्लायर से ख़रीद रहे हैं कैश के ऊपर और आप जो कस्टमर्स को दे रहे हैं वो उधार के ऊपर दे रहे हैं सो अल्टीमेटली आपके पास कैश फ्लोस के प्रॉब्लम आएंगे आपके पास कैश का प्रॉब्लम आएगा बिज़नेस के अंदर और आपका बिजनेस कलेप्स कर जाएगा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर तो इस तरह का बिजनेस मॉडल रिटेल के अंदर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और अगर आपको कहीं नज़र आता है फॉर एग्जांपल किसी अनऑर्गेनाइजड सेक्टर के अंदर ऐसा है कि वो बंदा ज़ाती तौर पर ये कहता है कि जी मैं हमेशा चीज़ें कैश ही बाय करूँगा लेकिन ऑफकोर्स कस्टमर उसके पास से उधार लेके भी चले जाते हैं तो so, उस तरह का बिज़नेस इन जनरल ज़्यादातर कैश के हवाले से सिचुएशंस में इश्यूज़ में इन्वॉल्व होगा और अल्टीमेटली बिजनेस जो है वो अपने क्लैप्स की तरफ अपने डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा दूसरा मॉडल हमारे पास जो मौजूद है वो एक्सेप्टेबल बिजनेस मॉडल कहलाता है इसको हम ए भी कहते हैं ये एक्सेप्टेबल बिजनेस मॉडल क्या है बहुत आसान समझने के लिए दैट यू बाय प्रोडक्ट्स ऑन कैश एंड यू सेल प्रोडक्ट्स ऑन कैश ऑल्सो तो एक्सेप्टेबल लेवल क्या है कि आप प्रोडक्ट्स अगर कैश पे बाई कर रहे हैं सो एट लीस्ट यू सेल दैम ऑन कैश क्रेडिट की इन्वॉल्वमेंट ना हो एक्सेप्टेबल बिजनेस मॉडल के अंदर ऑफकोर्स आपका अपना पैसा इस्तेमाल हो रहा है और रिटेल के अंदर जो मेन फिना यूज होता है वो ये है कि आपने बिजनेस को चलाना है ऑपरेट करना है अपने पैसों से नहीं दूसरे के पैसे से सप्लायर के पैसे से जिससे प्रोडक्ट्स आप बाय कर रहे हैं उसके पैसों से बिजनेस को चलाना इज एक्चुअली द बिजनेस मॉडल तो स्टिल द एक्सेप्टेबल बिजनेस मॉडल ये है कि अगर आप प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं ऑन कैश एंड यू सेल द प्रोडक्ट्स ऑन कैश ऑल्सो तो दिस इज एक्सेप्टेबल फॉर एवरी वन थर्ड बिजनेस मॉडल की तरफ हम आते हैं विच इज़ कॉल्ड बी बी एम बेटर बिजनेस मॉडल बेटर बिजनेस मॉडल क्या है दैट यू बाई प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट एंड यू सेल प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट ऑल्सो और अगर आप नोटिस करें तो डिफरेंस क्या है दैट यू हैव बॉट द प्रोडक्ट और यू हैव बाई बाय द प्रोडक्ट्स ऑन अ क्रेडिट फॉर एग्जाम्पल ऑफ फोर्टी डेज बट यू आर गिविंग टू यूर कस्टमर्स अ क्रेडिट ऑफ थर्टी डेज विच मीन्स कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की चालीस दिन के ऊपर आपने बाई किया चालीस दिन के उधार के ऊपर आपने सप्लायर से बाई किया और तीस दिन के उधार के ऊपर आपने कस्टमर्स को दे दिया तीस दिन बाद आपके पास पैसे आ गए उस पैसे से आपने सप्लायर के पैसे उसको वापस कर दिए और अपना प्रॉफिट अपने पास रख लिया दिस मॉडल इज कंसिडर्ड एज बेटर बिजनेस मॉडल क्योंकि ये एक स्कीम तैयार कर रहा है ओवरऑल आपको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए आपके बिजनेस मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए नॉर्मली इस तरह के मॉडल के अंदर कभी कभार ऐसा इशू हो जाता है कि लेट्स इफ देर इज़ अ डिले इन पेमेंट फ्रॉम कस्टमर ऑफ कोर्स आपका मॉडल जो है वो डिस्टर्ब होता है अब हम डिस्कस करने लगे हैं द मॉडल इन द ब्लॉक विच इज द बेस्ट बिजनेस मॉडल दैट इज द आइडियल मॉडल अवेलेबल इन एवरी काइंड ऑफ रिटेल बिजनेस और सिनेरियो इज वेरी सिंपल दैट यू हैव टू बा क्या करना है आपने आपने जब लट से प्रोडक्ट बाई कर रहे सप्लायर से तो मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट थर्टी डेज क्रेडिट मे बी फोर्टी डेज क्रेडिट मे बी फिफ्टी डेज क्रेडिट मे बी सेवेंटी फाइव डेज क्रेडिट फ्रॉम दी सप्लायर बट ऑन दी अदर साइड आपको जब प्रोडक्ट्स को सेल करना है टू योर कस्टमर तो यू हैव टू सेल दैम ऑन कैश सो आप कैश रिच होते हैं इस तरह के बिजनेस मॉडल के अंदर आपके बिजनेस के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होती मर्चेंडाइज की बाइंग के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती एंड देट इज वन ऑफ द रीजन कि जितने टॉप इंटरनेशनल रिटेल स्टोर हैं वो कैश के ऊपर फोकस्ड है कैश के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करते हैं और बाय करते हैं फ्रॉम द सप्लायर्स ऑन क्रेडिट सो अल्टीमेटली दे आर कैरिंग मिलियंस ऑफ रुपीस वर्थ ऑफ स्टॉक लेकिन वो स्टॉक एक्चुअली उन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीस का नहीं खरीदा होता उन्होंने सिर्फ एक ट्रांजेक्शन की होती है ऑफ हैविंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द सप्लायर एंड देन दे ट्राई टू सेल दिस विद इन द क्रेडिट पीरियड टू देयर कस्टमर्स विच मीन्स कैश के ऊपर कस्टमर को तो अल्टीमेटली कस्टमर से अगर उन्हें सप्लायर से कोई प्रोडक्ट बाई किया है तीस दिन के क्रेडिट के ऊपर और कस्टमर को कैश पे भेज दिया इसका मतलब ये है कि नाव दे कैन यूज़ दैट मनी जो कि उन्होंने वापस उनके पास है सप्लायर्स बनी तीस दिन तक उस पैसे को दोबारा बिज़नेस के अंदर घुमा सकते हैं दोबारा बिज़नेस के अंदर री कर सकते हैं अपने बिजनेस के कैश फ्लो को बेहतर कर सकते हैं सो so, चारों बिज़नेस मॉडल के अंदर द बेस्ट बिजनेस मॉडल इज दैट यू बाय प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट एंड यू सेल दैम ऑन कैश दैट इज़ द आइडियल सिचुएशन अगर एक रिटेलर उसको फॉलो करता है तो course वो जितनी मर्जी चाहे अपने बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन कर सकता है वो जितना मर्जी चाहे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है उसके वॉल्यूम्स को इनक्रीज कर सकता है क्योंकि course उसको इंजेक्शन ऑफ मनी रिक्वायर्ड नहीं है फॉर the ऑपरेशन